हेलो फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम आपके सामने बनाएंगे भरवा शिमला मिर्च, वो भी पनीर भरी हुई। तो आइए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च, कटा हुआ प्याज, कटे हुए टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया और पनीर। ये पनीर को मैंने घर पे ही बनाया है दूध को फाड़ के, उसमें नींबू डाल के। आप चाहे तो बाहर से पनीर ला करके उसे मैश करके इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए हमें सबसे पहले शिमला मिर्च को इस तरीके से ऊपर से कट करना है। हमें इसे पूरा कट नहीं करना है, लेकिन बस इसका ऊपर का कवर कट कर लेना है। ढक्कन की तरह ये यूज़ हो जाएगा ऊपर से वापस से कवर करने के लिए। ये देखिए मैं किस तरीके से काट रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से काटना है इसे। अब इसके अंदर जो भी बीज रहेंगे हम उसे निकाल के बाहर कर देंगे ताकि अंदर से पूरा एम्प्टी हो जाए शिमला मिर्च और हम इसमें पनीर भुर्जी भर सकें। अब हम गैस पर एक पैन गरम होने रख देंगे और उस पैन में ऑयल डाल लेंगे। आप चाहे तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने वाली हूँ पनीर भुर्जी को फ्राई करने के लिए। तेल को गरम होने देंगे थोड़ी देर के लिए। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें राई डाल देंगे। थोड़ा सा हींग पाउडर डाल लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहेंगे। साथ ही हम कटी हुई मिर्ची भी इसमें पकने के लिए डाल देंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज पक चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर को पकाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। साथ ही हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। साथ ही हम ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैगी मसाला। अब हमें इसे ढककर पकाना है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए और 2 से 3 मिनट के बाद वापस से हम इसे चेक करेंगे कि टमाटर पक गए हैं या नहीं। ये देखिए हमारे टमाटर ऑलमोस्ट पक गए हैं। मैं इसे 1 मिनट के लिए और पकने के लिए रखूंगी, वापस से ढक के रख दूंगी इसे।
देखिए टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मैश किया हुआ पनीर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा पनीर प्याज टमाटर के मिक्सचर में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसे ढक के पकाने के लिए रख देंगे कम से कम 2 मिनट के लिए। गैस को हमें मीडियम से लो के बीच में रखना है। याद रहे गैस हमें तेज़ नहीं रखनी है, अदरवाइज हमारा पनीर जल जाएगा। 2 मिनट के बाद मैं वापस इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी पनीर भुर्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ता जो हमने काट के रखा था, और इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। हमारी पनीर भुर्जी यानी कि शिमला मिर्च की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी शिमला मिर्च को स्टफ करेंगे पनीर भुर्जी से। तो ये देखिए इस तरीके से हमें पनीर भुर्जी शिमला मिर्च के अंदर डालना है। पूरा अंदर तक प्रेस करते जाएंगे ताकि साइड साइड में भी पनीर भुर्जी भर जाए। ये देखिए भर गया है, पूरा अच्छे से स्टफ हो गया है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे और इसी तरीके से दूसरी वाली शिमला मिर्च भी भर लेंगे। अब हम एक पैन में देसी घी ले लेंगे, उसे गरम होने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच देसी घी लिया है, साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ राई। देखिए घी हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को जब भी हम पकाएंगे तो याद रहे हमें हर तरफ से पकाना है, तो आप एक टाइम इंटरवल सेट कर लीजिए। 20 सेकंड के गैप में आपको इसे पलटते रहना है। गैस को हमें मीडियम से हाई के बीच में रखना है। इसे मैं ढक के पका रही हूँ। अब हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए हमारी शिमला मिर्च एक साइड से कितना अच्छे से पक चुकी है। इसी तरीके से हमें इसे हर तरफ से पकाना है। इसे पलट के हम वापस इसको ढक के रख देंगे दूसरे साइड से पकने के लिए। वापस से चेक कर लेते हैं। ये देखिए दूसरे साइड से भी हमारी शिमला मिर्च पक गई है। हम वापस से इसको पलट रहे हैं। इसी तरीके से हमें पूरी शिमला मिर्च को पका लेना है। हमारी भरवा शिमला मिर्च तैयार हो चुकी है सर्विंग के लिए, हर तरफ से पक चुकी है। अब हम इसे सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी भरवा शिमला मिर्च और पनीर भुर्जी बनके तैयार है। आप इसे चपाती के साथ में सर्व कीजिए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय।